नया कानून 28 दिसंबर 2021 को बना और नई गाइडलाइन 24 जनवरी 2022 को आई। तो जो 24 जनवरी 2022 के अनुसार बिजनेस करेगा, रजिस्टर्ड होगी MCA में, वही कंपनी लीगल रूप से बिजनेस कर पाएगी, वरना सारी इलीगल है सर। ठीक है, तो ये देखिए 30/3/2022 को भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने हमें ये परमिशन दे दी है यूटेक को। इसी तरह से यहाँ पे सर्विस पैसे इनकम के बारे में सबसे नीचे देखें, वैसे तो ट्रेडमार्क के बारे में बता देता हूँ, हमारी कंपनी ट्रेडमार्क है, आपकी कंपनी यूटेक ट्रेडमार्क कंपनी है, जो कि बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनी जो 20-20 साल से MLM के क्षेत्र में काम कर रही है, वो भी अभी तक ट्रेडमार्क नहीं है सर। तो कितने गर्व की बात है, आपकी कंपनी ट्रेडमार्क कंपनी है इकलौती। चलिए सर्विस पैसिव इनकम के बारे में बात करते हैं। बहुत से लोगों का कहना है कि हमें गैस सिलेंडर पे कितने मिलेंगे, बिजली बिल पे कितने पैसे मिलते हैं, तो सारा इसमें चार्ट है। अभी नेट की स्पीड कम है इसलिए डाउनलोड नहीं कर पा रहा, यहाँ से सर्विस पैसिव इनकम से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और उस सामने वाले को दिखा सकते हैं या फिर यहीं से लाइव दिखा सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आपको ये पेज बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा और समझा भी देगा दूसरों को, जिस सामने वाले को, कि आपका यूटेक क्या ताकत रखता है, आपके यूटेक से क्या बेनिफिट है, सामने वाले को क्या लाभ होने वाला है अगर आप यूटेक के बिजनेस एसोसिएट बनते हैं तो। चलिए सर एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन मैं आपको बता देता हूँ, इसमें कॉन्टैक्टस, इसको खोलते हैं। जी हाँ, आपसे कोई गलती हो जाती है या आपकी टीम से कोई गलती हो जाती है और उनको कोई भी चीज़ की गलती, चाहे वो डेट ऑफ बर्थ गलत डल गई हो, एड्रेस गलत डल गया हो, फ़ोन नंबर गलत डल गया हो, कुछ भी हो गया हो, ऐड मनी फंस गया हो, सभी चीज़ों के लिए यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हैं, support@utechindia.com ये कंपनी का जीमेल है, जैसे ही आप इसको टच करेंगे कंपनी के जीमेल पे पहुंच जाएंगे और इस तरह से आपको यहाँ पे पेज खुल के आएगा, आपके मेल पे ले जाएगा डायरेक्ट, और वहाँ पे आपको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट में लिखना है नेम नॉमिनी डेट ऑफ बर्थ रॉन्ग फिल, ठीक है, यानी कि नॉमिनी की गलत डेट ऑफ बर्थ भरी गई है सर। तो नेम यहाँ पे एक दो चीज़ें आपको बहुत सावधानी से भरनी है, ध्यान रखना है, अपना नाम और अपना आईडी नंबर, उसके बाद ही मेल करना शुरू करना है, उसके बाद कर देना है कुछ भी कि मुझसे गलती हो गई सर, गलती से नॉमिनी डेट ऑफ बर्थ गलत फिल हो गया है, कर पे हेल्प करें, बस इतना लिख देना है थैंक यू लिख के, और ये जो ऊपर दो निशान दिख रहे हैं अटैच फाइल से उसका स्क्रीनशॉट भेज देना है, जो अंदर पेज में जो गलती हुई है आईडी नंबर के साथ, वो पेज भी भेज देना है मार्क करके, और अटैच फाइल में आपको इस तरह से अटैच कर देना है इस तरह से, ठीक है सर, और ये तीर का निशान जो है इससे भेज देना है। सिंपल सी बात है, 24 से 48 घंटे के अंदर ये समस्या आपकी ऑटोमेटिकली सही हो जाएगी और मेल आएगा आपके रिटर्न, जी हाँ उसका जवाब भी आएगा। उसके बाद आप कॉल करना चाहे तो कस्टमर हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं जो कि नीचे दिया गया है, इस तरह से वो डायरेक्ट आपका फ़ोन अपने आप ले जाएगा, उस नंबर को कॉल देगा और वहाँ पे आप नीचे से कॉल करके कंपनी को कॉल कर सकते हैं। ध्यान रहे 10:00 बजे से लेकर 6:00 बजे तक आप वर्किंग टाइम में कॉल करेंगे तो आपका फ़ोन रिसीव होगा, उसके बाद लाइन बिजी बताएगा, तो घर पर इसमें धैर्य रखें क्योंकि जल्दी ही कंपनी कस्टमर केयर सर्विस को भी इंक्रीज करने वाली है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, आपकी कंपनी बहुत अच्छी तरीके से रन कर रही है, बहुत अच्छी तरीके से बड़ी प्लानिंग के साथ एक मिशन के साथ आगे बढ़ रही है, विजन मिशन के साथ आगे बढ़ रही है। आपका भी विजन और मिशन क्लियर होना चाहिए जैसे कंपनी का है, तो कंपनी के कदम से कदम साथ मिला के आप चलते रहिए, तभी आप कंपनी के साथ ग्रो कर पाएंगे, क्योंकि कंपनी को तो ग्रो करना ही करना है, कंपनी को तो ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि गूगल पे के 50 करोड़ यूज़र या फ़ोन पे के 25 करोड़ यूज़र, उनको कुछ भी नहीं आता है सर रिचार्ज करने से।